नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चोर वाले हेमंत। सबसे पहले हमें दिखा ये फाइटर जेट प्लेन जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज हम आए हैं सूरत का चिड़ियाघर विजिट करने और चिड़ियाघर के जस्ट बाहर ये रखा है फाइटर प्लेन, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों ये है सरथाना नेचर पार्क सूरत के अंदर, जिसको चिड़ियाघर भी बोला जाता है। और आज है संडे का दिन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और वन पर्सन का प्राइस है यहाँ 30 रुपीज। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और अंदर जाते समय आप बाहर से खाने पीने की चीज़ ले जा सकते हो, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और ये सबसे पहला नज़ारा है जू के अंदर। तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है, हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर। आप पहुंच चुके हैं तो कैसे, कहाँ पहुंच चुके हैं अपन? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या क्या देखोगे अभी? हम पहला पॉइंट में क्या देख लिया? बता। उसमें तालाब है, बतख है। अच्छा अच्छा, बहुत सारा भीड़ है संडे की वजह से। तो भीड़ आज। प्रवेश क्या देखना है? लेपर्ड। लेपर्ड सिम्बा। आज भीड़ इतना है, संडे का दिन है, बहुत ज्यादा भीड़। सोया हुआ है कड़म। और यहाँ पर दिखा है लेपर्ड मस्त नींद ले रहा है, सो रहा है आराम से। दो हैं, एक और है वो नीचे लेटा हुआ है। ये है व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर। एक और टाइगर दिखा है, इसे बोला जाता है बाघ। और मैं बचपन की यादें ताजा करता हुआ जो मैं आके मुरमुरे खा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पता नहीं है, तुम लेके आ गए। पर जो भी बोलते हैं बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है। बोला बोला बोला। और ये दिख रहा है भालू।
एक उधर बैठा है। यहाँ पर हैं बहुत सारे मगरमच्छ, सबके सब पानी से बाहर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं मस्त दूर दूर। अंदर भी काफ़ी सारे स्टॉल लगी हुई हैं जिन पर आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, आइसक्रीम और भी काफ़ी कुछ। एक अलग सा पेड़ दिखाई दिया है जिसमें सारी शाखाएं नीचे से ही अलग हो चुकी हैं। यह है शुतुरमुर्ग जो कि उड़ नहीं सकता लेकिन सबसे तेज दौड़ सकता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। और यह है सफेद मोर। यह है गोल्डन फीसेंट जो कि सुनहरे तीतर के नाम से जाना जाता है। बहुत खूबसूरत पक्षी है, कलरफुल एकदम, तो इसका नाम इंद्रधनुष भी है। और यहाँ पर है काफी ज्यादा भीड़, कैंटीन भी है अंदर में, आप कुछ खा पी भी सकते हो, पानी भी है। और भीड़ का तो मैं क्या ही कहूँ आज। तो दोस्तों हमारा ये ट्रिप था श्याम प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, वो अभी यहीं पर समाप्त होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए, सारे जानवर आपको देखने के मिलेंगे, पक्षी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप अंदर बैठकर कुछ खा पी भी सकते हैं, तो एक फैमिली ट्रिप आप आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। और इसका टिकट प्राइस मात्र है 30 रुपये पर पर्सन और इसकी ओपनिंग टाइम है 10 से 6 बजे तक। और ये मंडे को बंद रहता है, सैटरडे ओपन रहता है, मंडे को क्लोज। तो आप आसानी से यहाँ पर रीच कर सकते हैं, सूरत से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, पास में 5-7 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से और बिल्कुल बस स्टॉप के जस्ट सामने। तो आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।